नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। जैसा कि मैंने पहले आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया था, सबसे पहला हमारा चक्र जो था मूलाधार था। उसके बाद मैंने आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र कहाँ स्थित होता है, इसको कैसे जागृत किया जाता है, इसका रंग क्या है, ये सभी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रतिनिधित्व प्राप्त यह चक्र मानव शरीर में नाभि स्थल पर स्थित होता है। नाभि के महत्व का ज्ञान प्रत्येक पुरुष को होता ही है। नाभि स्थल ही वह स्थान है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु माँ से भोजन और वायु अर्थात जीवनी शक्ति प्राप्त करता है। इस चक्र का जागरण भस्त्रिका और प्राणायाम के मिश्रित प्रयोग के द्वारा संभव होता है। इस चक्र के जागरण पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में दया ममता करुणा का उदय होने लगता है। फिर उस पर सांसारिक दोष क्रोध ईर्ष्या झूठ व्यभिचार आदि का कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता है। विचारों में परिवर्तन होने के कारण उसके हृदय में शांति व्याप्त हो जाती है और उसे ध्यान की प्रथम अवस्था प्राप्त होती है। मणिपुर चक्र शरीर का केंद्र बिंदु है। यहाँ कई प्रमुख नाड़ियाँ आकर मिलती हैं। इस चक्र के जागरण पर 10 उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस चक्र में 10 दल नीले रंग के कमल सदृश होते हैं। इस चक्र का मूल बीज मंत्र है रम रे उसके ऊपर अंक की बिंदु। अब मैं आपको एक एक करके प्रत्येक दल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा डम डे ऊपर अंक की बिंदु। इस दल के जागरण पर पाचन क्रिया से संबंधित नाड़ियों को पूर्ण चैतन्यता प्राप्त होती है, जिससे पेट से संबंधित व्याधियों का समन हो जाता है और व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके बाद आता है डम डमरूवाड़ा डे उसके ऊपर अंक की बिंदु। इस दल के जागृत होने पर व्यक्ति को योग बल का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने शरीर और समस्त नाड़ियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होता है, जिसके कारण वह एक ही आसन पर घंटों बैठ सकता है, श्वास को पूर्ण नियंत्रित कर सकता है, कई दिनों तक भोजन वायु के रह सकता है। इसके बाद आता है अणम अणे उसके ऊपर अंक की बिंदु। आकाश मार्ग द्वारा कहीं भी आने जाने की क्षमता इस दल के जागरण द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके बाद आता है तम तय अंक की बिंदु।
इस चतुर्थ दल के जागृत होने पर जल पर उसी प्रकार चलने की क्षमता प्राप्त होती है जैसे व्यक्ति भूमि पर चलता है। इसके बाद आता है थम, थे, ऊपर अंकी बिंदु। इस दल के द्वारा प्राप्त उपलब्धि है स्वयं को अदृश्य बनाने की क्रिया। इसके बाद आता है दम, दे, ऊपर अंकी बिंदु। पृथ्वी की सतह पर अत्यंत तीव्र गति अर्थात वायु वेग से चलने की क्षमता इस दल के जागृत होने पर प्राप्त होती है। इसके बाद आता है धम, धै, ऊपर अंकी बिंदु। इस दल के जागृत होने पर व्यक्ति को पशु, पक्षी तथा पेड़ पौधों से वार्तालाप अर्थात उनकी भाषा समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है नम, ने, ऊपर अंकी बिंदु। नम, इस दल के जागरण द्वारा व्यक्ति को प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता प्राप्त होती है। वो ऋतुओं के प्रभाव से रहित होता है और किसी भी प्राकृतिक विपदा को नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वो अपनी सुविधा अनुसार प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुरूप ढाल सकता है। इसके बाद आता है पम, पे, अंकी बिंदु। इस दल के जागरण पर नेतृत्व की क्षमता प्राप्त होती है और पौरुष गुणों की उपलब्धि होने के कारण उसके विचार मानव कल्याण के लिए ही होते हैं तथा वो एक सक्षम मार्गदर्शक सिद्ध होता है। इसी दल के जागृत होने के कारण विवेकानंद विश्व विख्यात हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा फम, फे, ऊपर अंकी बिंदु। इस दल के जागृत होने पर सर्वोच्च उपलब्धि यानी ध्यान की होती है। इसके कारण ही ध्यान की क्रिया द्वारा दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और वो प्रत्येक प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया है मणिपुर चक्र के बारे में। अब बहुत जल्द ही मेरा अगला वीडियो आएगा आपके लिए अनाहत चक्र के बारे में। तो जब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।